देखिए, मध्य प्रदेश में जनाक्रोश रैली में जो भीड़ उमड़ रही है उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत परेशान कर रखा है। शिवराज सिंह जी का जो भ्रष्टाचार है वो देश के सामने है। प्रधानमंत्री जी जब भोपाल में खड़े हों तो वो पहले व्यापम पर बोलें, शिवराज के भ्रष्टाचार पर बोलें, लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना कि कांग्रेस पार्टी के संबंध इन नक्सलियों से हैं या फिर जंग लगा हुआ लोहा है। प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे तो हम लोगों को यही लग रहा है कि ये बयान नहीं बल्कि 2024 के रुझान हैं। आप जितना इंडिया अलायंस की स्वीकार्यता से घबराए हैं वो आपके बयानों से प्रदर्शित होता है। आप कभी घमंडिया बताते हैं, कभी आतंकवादी संगठनों से, कभी नक्सलियों से संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि उसी भोपाल में आपकी एक सांसद महोदया हैं जिनके बारे में, जिनको आज तक आप पता नहीं दिल से माफ कर पाए या नहीं कर पाए, उनके बयान पूरे देश के सामने हैं। वो गांधी की हत्या तक को जायज ठहराती हैं और ऐसे में हमें खुशी है कि हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, राजस्थान में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, तेलंगाना हम जीतने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का इस स्तर की भाषा पे उतर आना स्वाभाविक है। ये 2024 के चुनावों का रुझान है। इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दिया, यूपीए ने दिया। मुर्मू जी आई महामहिम राष्ट्रपति, सबने उनका स्वागत किया, हमने उनको हमेशा सम्मान दिया, सोनिया जी ने हमेशा उनको सम्मान दिया, लेकिन दरअसल सम्मान तो आपने नहीं दिया। नई संसद के उद्घाटन में कहीं अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया दिखी हो तो कोई देश बताए मुझे, जबकि हमने तो अपनी आंखों से तमाम अभिनेत्रियों को बुला बुला करके फोटो खिंचवाते और उनकी मीडिया बाइट करवाए जाते हुए प्री प्लान्ड प्रायोजित कार्यक्रम देखे। अगर 5 मिनट के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया आती तब हमें लगता कि आप आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं, आप उस पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, हमें तो नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी ये बातें सिर्फ कहिए मत, अगर इसको आपने करके दिखाया होता तो शायद देश इस बात को मान जाता। मुझे लगता है ये बयान सिर्फ और सिर्फ प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए एक दिया गया बयान है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस हैदराबाद से सांसद हैं और जहां उनकी पार्टी का मुख्यालय है वहां का विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, पहले आप उसको हरा लीजिए फिर बाद में राहुल गांधी जी को चुनौती दीजिएगा। दरअसल तेलंगाना में संभावित हार देख करके केसीआर के सहयोगी जो अघोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग करते रहे, केसीआर की सरकार ने टीआरएस ने हर बिल पर संसद में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके सहयोगी हैं, तो उनका ये बयान सिर्फ उसी के मद्देनजर है। और चैलेंज करना कि राहुल गांधी जी आए यहां से चुनाव लड़ें, मैं चैलेंज तो नहीं करता लेकिन मैं मजाक में ही कह रहा हूं कि आप ही हैदराबाद से निकल के कहीं से चुनाव लड़ लीजिए। राहुल गांधी जी ने तो अमेठी से जाकर के वायनाड में भी चुनाव जीता, अमेठी भी जीते हुए कई कई बार वहां सांसद रहे, तो आप राहुल गांधी जी पे सवाल खड़ा करने का मतलब है सिर्फ आप मीडिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, सच्चाई यही है।